हरीश जी, फिल्म आने वाली है आपकी पंजाबी, आपको कैसा लग रहा है? कदे दादे दिया, कदे पोते दिया, क्या प्रमोशन पे आए हैं, सो हाउ इज़ द फिल्म सर? जी, बहुत अच्छा लग रहा है सर। मतलब हम शुक्रगुजार हैं कि हमारी फिल्म जो आ रही है 14 तारीख को, कदे दादे दिया कदे पोते दिया, उसके ट्रेलर को बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया ऑडियंस ने। और हम दिल्ली में आए हैं प्रमोशन करने, यहाँ बहुत प्यार मिलता है हमें हमेशा, और आप लोगों से भी बड़ा प्यार मिला, थैंक यू। और उम्मीद करते हैं कि फिल्म में जो मेहनत की है वो रंग लाएगी और सबको पसंद आएगी। जी, बहुत बढ़िया फील हो रहा है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है दिल्ली में प्रमोशंस। मैं वैसे भी कभी दिल्ली घूमी नहीं हूँ, सिर्फ एयरपोर्ट तक आते हैं, पंजाब चले जाते हैं, तो आज अच्छा लग रहा है कि थोड़ा सा दिल्ली देख लिया। सर, योर फेवरेट डायलॉग फ्रॉम द मूवी? फिल्म में से फेवरेट डायलॉग ऐसे तो बहुत से हैं, अभी तो कुछ डायलॉग्स बताए भी नहीं अभी ट्रेलर में। वो फेवरेट डायलॉग मेरा एक अभी मैं बता देता हूँ, वो जो जब जी कमल, मेरा कैरेक्टर गुगू है, कमल सिमी का कैरेक्टर, कमल का कैरेक्टर है, जब कमल का फ़ोन जाता है गुगू को कि गुगू बीबी नहीं रही, तो ये बोलता है कि ओह अच्छा सच्ची, तो मुझे वो काफ़ी कॉमिक लगता है डायलॉग। सो इज इट अ कॉमेडी लाइक काइंड ऑफ फिल्म, और मैसेज क्या देती है फिल्म थोड़ा? ये कॉमेडी फिल्म, एंटरटेनिंग फिल्म है, इसमें कॉमेडी काफ़ी है, और इसके साथ ही इसमें मैसेज है वो जो बुज़ुर्गों और बच्चों का आपस में रिलेशनशिप है, उसमें जो गैप आ गया है, जो 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 कमियां हैं, उसके बारे में बताया है इस फिल्म में। सो अच्छा मैसेज है, ऐसी फिल्में बननी चाहिए, हमने एक अटेम्प्ट किया है, होपफुली हम कामयाब होंगे इसमें। अच्छा, फिल्म के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, अपने कैरेक्टर के बारे में, क्या आपका कैरेक्टर होने वाला है फिल्म? जी, मेरे कैरेक्टर का नाम कमल है, और वो गुगू से शादी करना चाहती हैं, बट जो उनकी दादी हैं कमल की, वो नहीं चाहती है कि शादी हो, और क्यों नहीं चाहती हैं वो आपको देख के मूवी पता चलेगा 14 जुलाई को। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है इस मूवी के बारे में कि ये फैमिली मूवी है, इसको आप बच्चों के साथ, बुज़ुर्गों के साथ और अपने खुद के साथ देख सकते हैं, चाहे जिस मर्ज़ी के साथ जाएं, गुगू के साथ जाएं, कमल के साथ जाएं, पर इसमें कोई भी ऐसा डायलॉग या कोई भी ऐसा सीन नहीं है जो आप अपने परिवार के साथ खुशी से बैठ के नहीं देख सकते। आपको कहीं ये महसूस नहीं होगा कि अरे कहाँ आ गए, क्यों आ गए। इनफैक्ट जब आप मूवी देख के निकलेंगे तो आपके चेहरे पे एक मीठी सी स्माइल होगी, एक मीठा सा एहसास होगा, एंड शायद आप 5-10 लोग को कॉल करके ये भी कहें अरे यार ये मूवी लगी है, जाओ देख के आओ। अच्छा, हरीश जी के साथ आपकी केमिस्ट्री के बारे में आप थोड़ा सा बताएं, और अपना एक फेवरेट डायलॉग आप मूवी में से बोलें। जी, हरीश के साथ केमिस्ट्री हमेशा बहुत बढ़िया रहती है, क्योंकि वो ऑन एंड ऑफ स्क्रीन दोनों ही बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत प्यारे को एक्टर हैं, बहुत गिविंग को एक्टर हैं, बहुत सपोर्टिव हैं, तो उनके साथ काम करके हमेशा बहुत बेहतरीन लगता है। हमारी ये तीसरी फिल्म है, हमने गोलक बुगनी बैंक ते बटुआ 1 की है, गोलक बुगनी बैंक ते बटुआ 2 की है, वो अभी रिलीज़ नहीं हुई है, पर ये तीसरी मूवी है जो हमारी रिलीज़ हो रही है, ये रिलीज हो रही है 14 जुलाई को। एंड और क्या क्वेश्चन था? बेस्ट आपका बेस्ट डायलॉग इस वाली में से, इस मूवी से जी। तो हमारी लड़ाई है, थोड़ी सी नोकझोंक है हमारी, जिसमें वो कहते हैं कमल अब तू मेरी मम्मी पर मत जा, ठीक है, पहले तुम्हारी दादी स्टार्ट हुई थी, तो मैं कहती हूँ कि ओ ताडी गड्डी स्टार्ट भी हुंदी है। थैंक यू सो मच मैम।